तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर सनफ्लावर का सीजन 2 जो G5 पे रिलीज हुई आज उसको मैंने देख लिया। इसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड का अगर लेंथ के बारे में बात करूँ तो हर एपिसोड का लेंथ तकरीबन 35 से 40 मिनट के आसपास का हर लेंथ है। अब देखो अगर आप लोगों ने सनफ्लावर सीजन 1 नहीं देखा तो भाई पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि सीजन 2 देखने से पहले आपको 1 देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। और देखो इसमें 8 एपिसोड है लेकिन स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स ना आपको लगेंगे भाई साहब बहुत ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं, मैं कहता इसको बहुत ज़्यादा खींच रहे जिस तरीका का मतलब सीजन वन था जिसमें हर एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट थे। इसमें भी इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होती है जैसे कि सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है जो भाई लास्ट तक भाई सर्वाइव करती है और उसके वजह से भाई साहब सारा मिस्ट्री खुलता है कि भाई जो राज का मर्डर है ना वो किसने किया, कैसे हुआ, वो नारियल में जहर था कि क्या था, कि एक्चुअली में उसकी जो डेथ हुई ना वो किस तरीके से हुई। तो भाई साहब यहाँ पर आधा शर्मा का एंट्री करवाया जाता है। आधा शर्मा जो रहती है, देखो ये स्पॉइलर नहीं, मैं आपको बता दें, आधा शर्मा जो रहती है ना भाई साहब वो राज की एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसके लिए राज भाई साहब मतलब कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब वो किस तरीके से लिंक जुड़ती है, फिर उसकी बीवी का भी लिंक आता और जो भाई अपने सोनू सिंह जी रहते यानी सुनील ग्रोवर उन्होंने जो एक्टिंग की है ना भाई जब सच बता और पार्ट 1 से ही मेरा दिल जीत के रखा और पार्ट 2 में भाई साहब उन्होंने पूरा का पूरा बवाल कर दिया है। जिस तरीके से भाई साहब कॉमेडी क्रिएट करते हैं मतलब सीरियस मैटर को भी किस तरीके से कॉमेडी में लेकर आ जाते हैं और जब कॉमेडी वाला मैटर रहता है भाई साहब उसको किस तरीके से सीरियस कर देते हैं वो भाई इस सीजन में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा सुनील ग्रोवर की एक्टिंग को। अब तुमको एक चीज़ बताओ, बहुत सारे ऐसे खुलासे होने वाले इस सीजन में जो सीजन 1 में अधूरे रह गए थे, बहुत सारे हैं कि यहाँ पर सुनील ग्रोवर एक्चुअली में उसका जो बैकग्राउंड है ना वो क्या है, मतलब वो जैसा सीधा बंदा दिखता है एक्चुअली में वो ऐसा बंदा नहीं। अब सारा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, अब जाके इसको दो, लेकिन एक चीज़ बता दूँ 8 एपिसोड अगर आप देखोगे ना तो दिल आपका खुश हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको लगे मेकर्स ने बहुत ज़्यादा खींच दिया इसको, मतलब 4 से 5 एपिसोड में ख़त्म हो सकता रहा कहानी लेकिन बहुत ज़्यादा खींचा चला आया। और भी बहुत सारे राज मतलब जो जिसकी मौत हो जाती है उसके बारे में बहुत सारा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है तो धीरे धीरे ये खुलासे मतलब खुलते रहते लेकिन लास्ट तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई साहब राज का जो मौत है ना वो किसने किया, कैसे हुआ और क्या रीज़न था और कौन कौन लोग मिले थे उसके पीछे। अब देखो जिस जगह पर इसका एपिसोड को ख़त्म किया गया ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस रख दिया गया है, मतलब इस टाइप का सस्पेंस कि भाई अभी भी सस्पेंस है कि भाई ये जो सोनू सिंह है ना असली में कौन है। मतलब सोचो अभी भी इस सीजन में थोड़ा बहुत तो खुलासा हुआ कि राज की मौत किस तरीके से हुई है लेकिन ये खुलासा नहीं हुआ कि भाई साहब इस सारे के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना वो कौन है। तो बोलूँगा कि इसका सीजन 3 का वेट करो लेकिन भाई मेकर्स ने लास्ट एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा बवाल लगा के रखा है, मतलब हर मिनट अगर आप देखोगे ना तो एक एक खुलासा मतलब पन्ने की तरह खुलते जाते हैं कि भाई एक्चुअली में इसके पीछे क्या है और देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। वही बोलूँगा स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे ना तो आपको अच्छा रहे क्योंकि जो मेन ट्विस्ट है ना वो मतलब एपिसोड 5, 6, 7, 8 ये 3 एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो भाई साहब स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड को फास्ट फॉरवर्ड करो और लास्ट का 3 एपिसोड देखो, आपको पूरा का पूरा स्टोरी क्लियर आ जाएगा अगर आपने सीजन 1 देखा है तो। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।